नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर सूर्यवंशी आपका मित्र स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सूर्यवंशी एकेडमी। आशा करता हूं पुराने सभी वीडियो आपने देखे होंगे और आपको वो सभी समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में निराकरण के हल पूछ सकते हैं। आज का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता पर। हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक लाइन बोलना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के बारे में यह कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बन जाए, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह अंत तक बुरा साबित होगा अगर उसे उपयोग करने वाले लोग बुरे हों। और यदि किसी भी देश का संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वह अंततः सही साबित होगा अगर उसे उपयोग करने वाले लोग अच्छे हों। तो इस प्रकार से लोगों की उपयोगिता के करने के तरीके के आधार पर संविधान अच्छा या बुरा हो सकता है, और प्रत्येक अच्छे या बुरे संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। दोस्तों, एक और कथन आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। वह कहते हैं कि मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यावहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांतिकाल तथा युद्धकाल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। इस प्रकार से भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनको क्रमबद्ध रूप से समझते चलते हैं। पहली विशेषता है भारतीय संविधान का विस्तृत स्वरूप। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, वहीं 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से तथा 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। अब बात कर ली जाए कि हमारे अनुच्छेदों की, तो हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं और 22 ही भाग हैं, किंतु गणना की दृष्टि से अगर अनुच्छेद की संख्या देखी जाए तो लगभग हमारे पास 450 अनुच्छेद मिलते हैं, एवं भाग की बात करें तो लगभग 24 भाग हमारे पास उपलब्ध हैं। अमेरिकी संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान में केवल 7 और कनाडा के संविधान में 147 ही अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। इसीलिए सर आइवर जैगनिंग ने भारत के संविधान को सबसे विशाल और विशालतम संविधानों की सूची में सबसे अव्वल रखा है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि विश्व का विशालतम संविधान कौन सा है, तो सर आइवर जैगनिंग के अनुसार भारत का संविधान विश्व का सबसे विशालतम संविधान है। भारत के संविधान की अगली विशेषता है इसका लिखित स्वरूप। संविधान को अगर देखा जाए तो संविधान लिखित या अलिखित किसी भी प्रारूप में हो सकता है, परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने यह प्रश्न था कि इसका स्वरूप कैसा रखें, तो हमने इसका लिखित स्वरूप अपनाया है ताकि इसे हम एक पुस्तक के माध्यम से संग्रहित कर सकें और हमारे उद्देश्यों को लिखित रूप से जनता तक पहुँचाया जा सके। जबकि ब्रिटेन ऐसा देश है जिसके पास अलिखित संविधान है और वहाँ का संविधान वहाँ की रूढ़ियों, रीति रिवाजों और परंपराओं के ऊपर आधारित है। अगली विशेषताओं की बात करें तो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र है वह समाजवादी प्रकार का लोकतंत्र है। अगर आपको इन सभी शब्दों का अर्थ जानना है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है जिसमें प्रस्तावना के विषय में समझाया गया है, आप उसमें इसको विस्तृत से समझ सकते हैं। अगली विशेषता संसदीय शासन प्रणाली है। अब किसी भी देश के अंदर शासन संचालन के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है। पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। जिस प्रकार से दोस्तों आपको पता है कि USA में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चलती है, वहाँ पर राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है, परंतु भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और हमारे पास संसद जो है वो शासन के प्रमुख अंग के रूप में काम करती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और अगर समझा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। इसका प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद
75-3 के माध्यम से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। इसके विषय में हम आगे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता है हमारे पास मूल अधिकार। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय सभी व्यक्तियों को 7 प्रकार के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में भारतीयों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों के विषय में अगर अधिक जानकारी हमें प्राप्त करनी हो तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप मूल अधिकार वहाँ से पढ़ सकते हैं। परंतु अगर सामान्य बात करी जाए तो मूल अधिकार अत्यंतिक नहीं है, राज्य इन पर निर्बंधन लगा सकता है, परंतु भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का एक विशेष प्रावधान किया गया भाग 3 के तहत और न्यायालय द्वारा न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है कि वो इनका प्रवर्तन भी करवा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की एक अतुलनीय विशेषता है मूल अधिकार। अगली विशेषता की बात की जाए तो अगली विशेषता है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। नीति निदेशक तत्व राज्य के वे कल्याणकारी स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं जिसमें राज्य जो है जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करें। इन्हें प्रवर्तन कराने के लिए जनादेश का इंतजार करना चाहिए और प्रत्येक राज्य के ऊपर अप्रत्यक्ष दबाव के रूप में जनादेश काम करता है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन हो जाता है। इन्हें न्यायालय के द्वारा प्रवृत्ति नहीं कराया जा सकता, इस कारण से ये मूल अधिकारों के ऊपर थोड़े से हावी हो जाते हैं। परंतु राज्य के कल्याणकारी स्वरूप को प्रदान करने के लिए राज्य के किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से मार्गदर्शन होगा, ये नीति तत्व इस प्रकार से सहायता करते हैं। अगली विशेषता मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में प्रारंभ से नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के रूप में जोड़ा गया। शुरुआत में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता और संरक्षक पर आरोपित किया गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हमारे पास हो जाते हैं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख 51 क में किया गया है। अगली विशेषता है हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही मायने रखती है। जहां न्यायपालिका को संघ और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करने की आवश्यकता होती है, तो वहीं न्यायपालिका के ऊपर एक दायित्व होता है कि वो व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी रक्षा करे। इसीलिए भारत में भारतीय संविधान के माध्यम से हमने हमारी न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की गई। हमारी न्यायपालिका भारत में व्यक्तियों को जहां मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार प्रदान करती है, तो वहीं न्यायपालिका राज्य और केंद्रों के बीच होने वाले विवादों का निपटान करने में भी सहायक है। अगली विशेषता है हमारे पास नम्यता और अनम्यता का विशेष स्वरूप। किसी भी देश के संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। संशोधन के स्वरूप को यहाँ पर नम्य और अनम्य शब्दों से प्रदर्शित किया गया है। जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाए वह संविधान नम्य संविधान कहलाता है। वहीं एक ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन हो वह अनम्य या कठोर संविधान कहलाता है। अब बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कठोरता और नम्यता, अनम्य और नम्य का एक अद्भुत संयोग दिखाई देता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से। इस प्रकार से भारतीय संविधान में जहां कुछ उपबंधों को नम्यता के आधार पर साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, वहीं किसी विशेष मुद्दे को लेकर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यही इसका कठोर स्वरूप होता है। केसी व्हीलर साहब भारतीय संविधान को कठोरता और नम्यता के बीच का मध्यस्थ संविधान कहते हैं। वहीं हमारे आइवर जैगनिंग साहब भारतीय संविधान को एक बहुत ही कठोर संविधान के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अगली विशेषता है केंद्रोन्मुखी संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। केसी व्हीलर साहब के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, जबकि सर आइवर जैगनिंग्स कहते हैं कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। हालांकि भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख जो लक्षण हैं वो यथाशक्ति और विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता,
स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विद्यमान है, किंतु उसमें एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, जैसे कि एकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, आपातकालीन उपबंध, नए राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और राज्य सूची पर केंद्र को विधि बनाने की शक्ति आदि सभी बातों को देखा जाए तो जेग्निंग जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है। अतः भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को भी धारण करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यहाँ पर कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में कभी नहीं ढाला गया है। तो अगली विशेषता है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के विषय में इससे पहले वाले नागरिकता संबंधी वीडियो में संपूर्ण जानकारी दे दी गई है, परंतु फिर भी सामान्य रूप से बता दिया जाए कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करते, जबकि हमारे पास ब्रिटेन के तरह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगली हमारी विशेषता है वयस्क मताधिकार। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में मतदान की आयु को 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के माध्यम से 21 वर्ष की आयु को कम करते हुए अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से मतदान की आयु को 18 वर्ष नियत किया गया है। अतः प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त कर लेता है, किंतु अनिवास, विकृतचित, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। हमारे यहाँ पर सर्वोच्च विधि के रूप में संविधान को मान्यता प्राप्त है, जबकि ब्रिटेन में अगर सर्वोच्चता की बात करें तो संसद वहाँ पर सर्वोच्च है। इसी प्रकार से USA में न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। भारत संविधान की सर्वोच्चता का पक्षधर है। अगली विशेषता के रूप में संकटकालीन प्रावधानों को लिया जा सकता है। भारतीय संविधान में संकटकालीन प्रावधान कुछ इस प्रकार से किए गए हैं कि भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संकटकालीन उपबंध हैं। पहला है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में हमारे पास अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का प्रावधान है। वहीं राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर अनुच्छेद 356 के माध्यम से हम आपातकाल लगा सकते हैं। और अंतिम रूप से अगर यदि भारत सरकार के सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 360 का उपयोग करते हुए हम वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। संकटकालीन घोषणाओं का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि संघात्मक शासन एकात्मक होता जाता है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं और भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक हो जाता है। अगली विशेषता है ग्राम पंचायत का गठन। संविधान निर्माताओं ने जहां एक और आधुनिक 21वीं सदी के शासन व्यवस्था को अपनाया है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो हम यह भी नहीं भूले हैं कि भारत ग्रामों की आधारशिला पर ही खड़ा है और ग्रामों के प्रबंधन को बिना किए हुए या पंचायतों के आधार को ना समझते हुए हम किसी प्रकार का कोई भी विकास नहीं कर सकते। इसीलिए नीति निधिक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सक्षम होने पर ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाएगा, इस प्रकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। तो 1959 की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज समितियों और जिला परिषदों की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1993 के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया है। अगर शॉर्टकट में आपको बताया जाए दोस्तों, तो भारत नवीन संविधान में जनता की संप्रभुता के मूल सिद्धांत पर आधारित तो है, परंतु भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। तो भारतीय संविधान को एक आदर्श स्वरूप में स्थापित करने और व्यवहारिक स्वरूप को श्रेष्ठ बताने के लिए हमने ग्राम पंचायतों का गठन भी किया है। इस प्रकार से दोस्तों, भारतीय संविधान जहां ग्राम पंचायतों का गठन हो या स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संघात्मक व्यवस्था हो, मूल अधिकार हो, नीति निधिक तत्व हो, मूल कर्तव्य हो आदि प्रकार की जितनी भी विशेषताएँ आपने सुनी हैं, ये सभी विशेषताएँ भारतीय संविधान को एक विस्तृत और विशाल संविधान भी बनाती हैं। इस प्रकार से सभी विशेषताओं को आप समझ चुके हैं और अगले वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मूल अधिकार क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।